Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. Hello friends, मैं अतुल तिवारी आपका CGPSC eGyan में स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के नामकरण की बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कब छत्तीसगढ़ हुआ, उससे पहले उसे विभिन्न कालों में किस नाम से जाना जाता था। वैसे तो छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो छत्तीसगढ़ कब पड़ा इसकी प्रामाणिकता का अभाव है कि कब एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि किस काल में इसे छत्तीसगढ़ कहा गया। लेकिन जो हमारे पास स्रोत हैं, विभिन्न मत हैं, विभिन्न जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं या जो साहित्य मिले हैं, उनमें अलग अलग समय में इसे छत्तीसगढ़ नामकरण किया गया है और कई जगह पर इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई एग्जाम दिलाते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। इसमें से पूछा जा सकता है कि विभिन्न कालों में कैसे नाम पड़ा, कौन से काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, कौन से साहित्य में इसे कब छत्तीसगढ़ कहा गया, पहली बार कौन सा साहित्य था, किस कवि ने इसे किस नाम से पुकारा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं और जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं आज आपको छत्तीसगढ़ का नामकरण बताने वाला हूँ कि विभिन्न कालों में जितने भी काल हुए उन कालों में विभिन्न नाम से जाना गया तो वो किस काल में किस नाम से जाना जाता था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं कि विभिन्न कालों में किस काल में किस नाम से जाना जाता था। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में हम रामायण काल और महाभारत काल के बारे में पढ़ते हैं, तो इन कालों में छत्तीसगढ़ को किन नाम से जाना जाता था। सबसे पहले देखिए रामायण काल, जो रामायण काल है उसमें इसे किस नाम से जाना जाता था। रामायण काल का साक्ष्य मिला हमें वाल्मीकि कृत रामायण से और वाल्मीकि कृत रामायण में इसे दक्षिण कोसल कहा गया। संभवतः जो सरयू नदी के पास का भाग था उसे उत्तर कोसल और उसके नीचे का भाग दक्षिण कोसल कहलाता था। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि ये जो दक्षिण कोसल नाम पड़ा है वो श्री राम की जो माता जी थी कौशल्या देवी उनके नाम पर इस क्षेत्र को कोसल कहा जाता था। वो दक्षिण कोसल की राजकुमारी थी जिनका विवाह राजा दशरथ से हुआ था और उनसे पुत्र हुआ था श्रीराम। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को वाल्मीकि कृत रामायण में दक्षिण कोसल के नाम से जाना गया है और इसके अलावा इसे कोसल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रामायण काल था और इस रामायण काल में हम बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जानते थे। जो बस्तर का क्षेत्र था उसे दंडकारण्य कहा जाता था और छत्तीसगढ़ को, पूरे छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे रामायण काल में। इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत काल। महाभारत की कुछ घटनाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जैसे कि उस काल में रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था, है ना। तो ये साक्ष्य जो है महाभारत से जाके जुड़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं प्रचलित हैं, ये किंवदंतियां प्रचलित हैं, इसलिए हम महाभारत में छत्तीसगढ़ का नामकरण देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो महाभारत है उसमें छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल कहा गया। प्राक कोशल, छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो हमारा बस्तर का क्षेत्र था वो कांतार के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल कहा जाता था और बस्तर के क्षेत्र को कांतार के नाम से जाना जाता था। ये था महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं छत्तीसगढ़ में सक्रिय थी, इसलिए छत्तीसगढ़ का उल्लेख गुप्तकालीन साहित्यों में किया गया है। देखते हैं कि वो साहित्य कौन सा था। आपको पता होगा कि जो कालिदास जी थे उन्होंने रघुवंशम की रचना की है और वो गुप्त के काल के समकालीन थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी रचना में इस क्षेत्र को दक्षिण पथ या कोसल के नाम से संबोधित किया है। उनकी जो रचना है रघुवंशम उसमें ये कोसल नाम से प्रचलित है, कोसल नाम का उल्लेख मिलता है उनकी रचना में। उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को कोसल कहा था और वो गुप्त काल में समकालीन थे, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि गुप्त काल में इस क्षेत्र को कोसल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो समुद्रगुप्त था उसने दक्षिण अभियान किया था और इस दक्षिण अभियान के दौरान वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा था और आपका जो महासमुंद है, महासमुंद जिला, वहां पर उसने डेरा भी बनाया था, उसकी सैनिक जो टुकड़ी थी वो वहां पर रुकी थी। तो इसलिए इस गुप्त काल में जब समुद्रगुप्त वापस लौटा तो उसके जो चारण कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने एक प्रशस्ति गुदवाई जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जानते हैं,
इस अभिलेख में उन्होंने छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से संबोधित किया है। दक्षिणापथ के नाम से संबोधित किया है हरिसेन ने, जो कि गुप्त काल के समकालीन है। वो चारण कवि थे समुद्रगुप्त के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है उस समय छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से कोसल और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इसके जो बाद का काल है, जब हमें उल्लेख मिला, वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल में एक कवि हुए छत्तीसगढ़ में, जिनका नाम था दलराम राव। इन्होंने 1494 में एक रचना लिखी। ये जो खैरागढ़ के एक राजा हुए, राजा लक्ष्मीनिधि, उनके चारण कवि थे, उनके दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने राजा के लिए एक रचना लिखी और उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। इस छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दलराम राव ने 1494 में। 1494 में दलराम राव ने छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये काल है सल्तनत काल, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि सल्तनत जो काल है उसमें छत्तीसगढ़ नाम का पहली बार प्रयोग हुआ। और ये करने वाला कौन था? दलराम राव। दलराम राव ने अपनी रचना की एक पंक्ति में लिखा है कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रहे। तो इस पंक्ति में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि सल्तनत काल या फिर दलराम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके आगे हम देखते हैं कि मुगल काल आता है। तो मुगल काल में जब यहाँ पर शासन हो रहा था, तो यहाँ मराठा शासन प्रचलित था। उस काल में इस क्षेत्र को रतनपुर के नाम से जाना जाता था, रतनपुर राज्य कहा जाता था, जिसका उल्लेख विभिन्न मराठा साहित्यों में भी मिलता है। तो मुगल काल में हम मान सकते हैं कि इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए कंचुरी काल। मराठाओं के आने से पहले यहाँ पर कंचुरियों का शासन था छत्तीसगढ़ में, और उसी कंचुरियों के शासन के एक राजा थे जाजलदेव। राजा जाजलदेव जो कि कंचुरी शासक थे, उन्होंने रतनपुर अभिलेख, अपने रतनपुर के एक अभिलेख में इस क्षेत्र का दक्षिण कोशल के नाम से उल्लेख किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कंचुरी काल था उस समय जाजलदेव के द्वारा जो रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोशल नाम का प्रयोग किया गया, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कंचुरी काल में इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कोशल था। इसके अलावा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के जो पुरातात्विक सर्वेक्षक थे वो थे कनिंगम। कनिंगम यहाँ के पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातात्विक का सर्वेक्षण कर रहे थे। उन्होंने इस क्षेत्र को महाकोशल नाम दिया था, महाकोशल क्षेत्र कहा था। ऐसा हो सकता है कि वो महाशब्द जो जोड़े हैं, वैसे तो इस क्षेत्र को कोशल हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो ये महाशब्द का प्रयोग किया गया है कनिंगम के द्वारा, ऐसा कहा जाता है कि ये महाशब्द उन्होंने इस क्षेत्र को गरिमामय बनाने के लिए किया है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इस कोशल को महाकोशल कह दिया हो। इसके अलावा ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की और उन्होंने इसका विवरण पेश किया, और इस विवरण का प्रकाशन किया गया 1910 बिलासपुर गजेटियर में। बिलासपुर गजेटियर में इस यात्रा वृत्तांत का उल्लेख किया गया, उसे छापा गया बिलासपुर गजेटियर में 1910 में, और तब पहली बार फिर से छत्तीसगढ़ नाम का आधिकारिक रूप से प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ को अन्य अन्य नामों से जाना गया है, क्योंकि ये टॉपिक हर समय आप देखिएगा नाम थोड़े बहुत ही बदल रहे हैं। कहीं पे दक्षिण कोशल कहा जा रहा है, कहीं दक्षिणापथ कहा जा रहा है, और कहीं पे कोशल कहा जा रहा है, इसलिए जब इसे क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप इसे नोट करके याद करें तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं साहित्यों में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम सल्तनत काल देख रहे थे, कि 1494 में सर्वप्रथम साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दलराम राव के द्वारा किया गया था। दलराम राव जी हैं वो लक्ष्मी निधि, जो कि खैरागढ़ के राजा थे, उनके दरबारी कवि थे, और इन्हीं के द्वारा 1494 में अपनी कविता की पंक्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग मिलता है। यह पंक्ति क्या थी, यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़या रहे। ये पंक्तियां थी उनके कविता की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम यदि साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो दलराम राव के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रयोग है 1686 में,
1686 में राजा राज सिंह हुए शासक, उनके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया है। ये सन था 1686, उस समय शासक थे राजा राज सिंह और उनके कवि थे गोपाल मिश्र, और उनकी जो रचना है जिसमें इस छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे कहा जाता है खूब तमाशा। इस प्रकार ये प्रयोग हुआ था 1686 में। इसके आगे अपन देखते हैं कि ये 1896 में रेवा राम यह भी एक कवि है, रेवा राम के द्वारा उनकी रचना है विक्रम विलास, जो की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने एक पंक्ति बोली है जिसमें लिखा है कि तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जहां हरी और तू केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पावन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1896 में अपनी रचना विक्रम विलास में रेवाराम ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ये जो तीन प्रयोग हैं ये साहित्य से संबंधित हैं। ये जो हम तीन ईयर देखे ये तीनों साहित्य से संबंधित हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख है छत्तीसगढ़ नाम से। इसके अलावा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी में शिलालेख कब प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा 1702 से लगभग 400 या 350 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये खोजने वाले थे इतिहासविद रामेंद्र नाथ मिश्र इतिहासकार थे, जिन्होंने इस शिलालेख को, इस अभिलेख को खोजा था, और इसको खुदवाने वाले, जो इसको खुदाया था, जो इसको बनाया था, उस शिलालेख को बनाने वाले का नाम था भगवान मिश्र, पंडित भगवान मिश्र। 1702 में ये शिलालेख बना था। वर्तमान में इस शिलालेख को दंतेश्वरी जो मंदिर है दंतेवाड़ा का, वहां पर लगाया गया है। उसके बाएं दरवाजे पर ये शिलालेख आज भी उपस्थित है, आप वहां जाएंगे तो आपको ये देखने मिल जाएगा। ये खुदाया गया था 1702 में, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम अभिलेख है या छत्तीसगढ़ी में खुदाया हुआ पहला अभिलेख है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं विद्वानों के मत के अनुसार इस जो क्षेत्र का नाम है वो छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। विभिन्न जो विद्वान थे, अलग अलग विद्वान है, उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए कि किस आधार पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया होगा। इसमें सबसे पहले नाम आता है वेगलर का। वेगलर ये कनिंगम के सहयोगी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का सर्वेक्षण किया था। वेगलर ने छत्तीसगढ़ का सर्वेक्षण किया था, और ये कनिंगम जो कि पुरातत्ववेत्ता थे उनके ये सहयोगी थे। इन्होंने बताया कि जरासंध एक शासक हुआ जिसके कार्यकाल में जो चर्मकार परिवार थे, जो चर्मकार लोग होते हैं, उनके 36 परिवार आकर हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बस गए थे। जरासंध के डर से जो चर्मकार परिवार थे 36, वो इस क्षेत्र में आकर बस गए, जिसके कारण कालांतर में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। वो 36 जो घर थे वो अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ में बदल गए, ऐसा मत था वेगलर का। इसके बाद देखिए जेटी ब्लंट एक यात्री हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की 1795 में। उन्होंने अपने यात्रा वित्रांत के दौरान इसका वर्णन किया, जिसका प्रकाशन किया है बिलासपुर गजेटियर 1910 में किया गया इस यात्रा वित्तांत का वर्णन, जहां पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से पुकारा गया है। ये किसके अनुसार था? जेटी ब्लंट के अनुसार। जेटी ब्लंट एक यात्री हैं, एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी 1795 में, और अपने यात्रा वित्तांत, मतलब जब वो यात्रा का वर्णन कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि इस यात्रा में उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा। तो इस क्षेत्र को जब वो संबोधित करना चाहते थे तो उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ नाम दिया। इसके अलावा अगला जो मत है वो है हीरालाल के अनुसार जो महाजनपद काल था, आपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में देखा होगा महाजनपद काल का वर्णन मिलता है, जिसमें 16 महाजनपद थे। इनमें से एक जनपद थी चेदिस महाजनपद के नाम से जाना जाता था, और उनका हीरालाल जी का ये मानना था कि जो चेदिस वंश है उसका शासन छत्तीसगढ़ में भी था, और जो चेदिस है वो बाद में अपभ्रंश होकर उसमें बाद में परिवर्तन हुआ, वो चेदिस 36 हो गया, और इसलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऐसा मानना था हीरालाल जी का। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए चिस्म एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, एक अंग्रेज थे। उन्होंने कलछुरी शासक कल्याण साय द्वारा इस क्षेत्र का विभाजन किया गया था, जो शिवनाथ नदी है उसको आधार मानकर
सिमनाथ नदी के उत्तर के 18 और नीचे 18, इस प्रकार 36 जो गढ़ थे वो बनाए गए थे कल्याण साय के द्वारा। इसी का वर्णन किया है चिस्म ने। चिस्म ने बताया कि इन्हीं 18-18 गढ़ों को मिलाकर इसे 36 गढ़ नाम दिया गया है, ऐसा मानना था चिस्म का। इस प्रकार ये जितने भी इतिहासकार हैं, इन्होंने किसी एक घटना को आधार मानकर इस क्षेत्र का नामकरण छत्तीसगढ़ बताया है। इस प्रकार आज का ये जो सब्जेक्ट था, ये टॉपिक था, सब यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम इसके स्थिति के बारे में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसके जो छत्तीसगढ़ बनने की तिथि है कि वो कब कब उसके लिए प्रयास किए गए और विभिन्न जिलों और संभागों का निर्माण कब किया गया, इस बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम CGPSC e-gyan। विजिट अवर वेबसाइट visualcard.com टू गेट कम्प्लीट वीडियो सीरीज।